वेलकम बैक टू एस एस क्लासेस। माई नेम इज़ शाइस्ता परवीन एंड यू आर वॉचिंग एस एस क्लासेस। सो ऑल माई डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस द बायोलॉजी क्लास 8 ICSE बोर्ड। द नेम ऑफ चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वॉट इज रिप्रोडक्शन एंड हाउ डज प्लांट्स रिप्रोड्यूस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन लाइक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो टुडे आई विल डिस्कस द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग से बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो तो, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। तो बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक पेरेंट सेल या फिर कोई एक पेरेंट क्या इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन के फॉर्म रिप्रोडक्शन में, उसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन आपके बुक में बिल्कुल सिंपल सी दी हुई है कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इन देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा चीज़ देखा था, क्या देखा था कि वहाँ पर मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए और वहाँ पर गैमेट का फ्यूजन हो रहा था। अब क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स चाहिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? सिंगल पेरेंट्स होगा, इन्वॉल्व होगा, कोई सिंगल पेरेंट्स ही इसमें क्या करेगा, या तो मेल गैमेट या तो फीमेल गैमेट जो है, या तो मेल या तो फीमेल सेक्स सेल क्या करेगी, इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो इसमें जो है दो जन की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक जो है एक चीज़ की ज़रूरत है, एक सेल की ज़रूरत है। तो इसीलिए इसको बोला गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी लाइट चली गई थी। ओके, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें लाइक बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। अब एसेक्सुअली में भी कौन सा मेथड ये यूज़ करते हैं? लाइक ये फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे फ्यूजन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स कौन सा प्रोसेस है, किस तरीके से ये जो है होता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं कि हायर प्लांट्स, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं लाइक हम लोग बात कर लें नीम का ट्री की बात कर लें, हम लोग ओक ट्री की बात कर लें, हम लोग एप्पल ट्री की बात कर लें, आम के ट्री की बात करें, मैंगो ट्री की बात कर लें, तो जितने भी जो है ये हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग किसी प्लांट का पार्ट का यूज़ करते हैं। मान लो आप लोग बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या किए कि किसी प्लांट्स का स्टेम काट करके उसको अपने गमले में लगा लिए, तो वो नहीं, वहाँ से क्या होगा, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा, न्यू प्लांट्स का ग्रोथ हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब हम लोग क्या करेंगे किसी प्लांट के पार्ट का, लाइक वो रूट हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, वो लीफ हो सकता है, इसका हम लोग यूज़ करें ठीक है नए प्लांट्स को बनाने में, तो हम इसे बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि द रूट स्टेम और लीफ ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब हम लोग प्लांट के किसी पार्ट का यूज़ करेंगे किसी न्यू प्लांट को ग्रो कराने में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, आप लोग को एक और चीज़ बतानी मुझे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी जो है डॉटर सेल बनेंगी वो टू कॉपी, एकदम टू कॉपी होती हैं अपने पेरेंट सेल की। कैसे टू कॉपी होती हैं? देखो अगर मैं बात करूँ किसी एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कोई भी एग्जांपल, जस्ट वन मिनट। इसमें क्लोन बोल सकते हैं। देखो मान लो मैंने अमीबा का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, अमीबा का मैंने एग्जांपल ले लिया। तो अमीबा में मैंने बना दिया इस तरीके से, ये जो है अमीबा है, ठीक है, ये हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा, अमीबा जो है इसकी सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इसकी सेल डिवीज़न करेगी और यहाँ पर जो है इसका सेल टू सेल में डिवाइड हो गया, ये एक सेल टू सेल में डिवाइड हो गया। अब ये टू सेल किस में डिवाइड हो जाएगा, अब ये जो टू सेल है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, अकेले अकेले सेपरेट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पेरेंट सेल अमीबा है उसके बाद जो डॉटर सेल अमीबा बन रहा है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, सेम है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी डॉटर सेल बनेगी, जो भी ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो भी उनका बेबी बनेगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह होगा। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस प्रोसेस को जिसमें सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन।
ठीक है, विच इज द आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑफ दिस पेरेंट। सो इतनी बात थी। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पहला हमें पढ़ना है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में भी आपका अमीबा आ जाएगा और भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये भी देखोगे। तो देखो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इन दिस मेथड न्यूक्लियस स्प्लिट और डिवाइड। अभी मैंने जो बताया था वही क्या है, बाइनरी फ्यूजन ही है। इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मेथड जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा टू दो में, और फिर वो सेल क्या होगी, फिर क्या होगी, मिडल से वो क्या होगी, अक्रॉस होगी एंड स्प्लिट आउट होगी, और फिर से वो क्या बना लेगी, डॉटर सेल्स बना लेगी। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है टूटना, फ्यूजन मतलब होता है टूटना, कि वहाँ पर क्या होगा, कुछ सेल है वो अलग अलग पार्ट में टूट करके एक नए ऑर्गेनिज्म को बना ले रही है। तो इस टाइप का जो हमारा बाइनरी फ्यूजन जो है वो पाया जाता है, बाइनरी फ्यूजन जो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा पाया जाएगा लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया में, अमीबा में। अगर प्लांट्स की बात करें, ठीक है, प्लांट्स की बात करें अगर हम लोग, तो देखें अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल में देखेंगे। प्लांट्स में देखो आप लोग को दिया गया है यहाँ पर, तो अमीबा का मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन की बात करेंगे, बाइनरी फ्यूजन में की भी हम लोग यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है अमीबा का। अब प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्लाइमाइटोमनास इसका एग्जाम्पल है बाइनरी फ्यूजन का, है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन देखो, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कॉलेरा में और क्लेमाइडोमोनास में एक सेल जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी फोर डॉटर सेल्स में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, है ना। अभी क्या हो रहा था, पहले हो रहा था क्या कि जो है एक सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल बना रही थी। अब क्या हो रहा है कि जो एक सेल है वो डिवाइड हो रही है बहुत सारी सेल में, सिर्फ फोर में नहीं, ठीक है, डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल्स। जब फोर डॉटर सेल बना रही है, फिर उससे भी ज़्यादा बना रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग बाइनरी फ्यूजन के लिए अमीबा का ले रही है और मल्टीपल फ्यूजन के लिए भी अमीबा का ले रही है, क्योंकि मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन दोनों ही अमीबा में प्रेजेंट होता है, और क्लाइमाइडोमोनास में भी प्रेजेंट होगा और क्लोरेला में भी, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे प्लांट्स के एग्जांपल हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग बाइनरी फ्यूजन अमीबा में ज़रा देखो, ये हमारा पेरेंट सेल अमीबा है, यहाँ पर न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हुआ, ये न्यूक्लियस दो सेल में डिवाइड हुआ है, ये दो न्यूक्लियस हैं डिवाइड हुए हैं, और फिर ये क्या हुआ, यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। साइटोप्लाज्म क्या होगा, जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो हमारे साइटोप्लाज्म होंगे, यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। अब ये दोनों साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद क्या होगा, जो दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड होने के लिए, अपने आप को दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए अपना न्यूक्लियस क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो पहले इसने क्या किया, अपना न्यूक्लियस को डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड किया। साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करने के बाद क्या किया, ये दोनों जो है न्यूक्लियस अलग अलग एक ऑर्गेनिज्म बना लिए, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। तो यहाँ पर कितने सेल बन रहे हैं, टू डॉटर सेल बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में भी अमीबा का डायग्राम लिया है मैंने, तो यहाँ पर भी क्या है, पेरेंट एक पेरेंट अमीबा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस को ज़्यादा थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर होता क्या है, कि जब अमीबा को जो है अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, मान लो कि यहाँ पर हमारा अमीबा क्या था, इनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा था, बहुत अच्छे से खाना पीना मिल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, सिंपली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लिया। लेकिन जब इनको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा है, इनको इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा ये चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो ये अपने सेल के ऊपर एक बहुत ही मोटी सी, बहुत थिक सी एक वॉल बना लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्ट। इस हम लोग थिक वॉल को बोलते हैं सिस्ट। अब ये सिस्ट वॉल जो होती है अनफेवरेबल कंडीशन के थ्रू बनती है ना, जब यानी कि हमारा अमीबा को खाना वाना नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से अंदर ही अंदर अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म में, यानी बहुत ज़्यादा जो है लार्ज अमाउंट में अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं। अब जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, यानी कि ऐसी कंडीशन आई जहाँ पर ये अपने आप को ग्रोथ करवा सकते हैं, सर्वाइवल करा सकते हैं, तो इनका जो सेल वॉल होता है, जो सिस्ट होता है, वो फट जाता है और बहुत हर एक सेल से एक नया अमीबा बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया भी है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सिस्ट वॉल फॉर्म होगी एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये सिस्ट वॉल ब्रोकन हो जाएगी, टूट जाएगी, और हर सेल से एक नए अमीबा क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो ये था हमारा मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल। अब आपका मल्टीपल फ्यूजन है, इसके बाद देखते हैं हम लोग बडिंग को। अब दूसरा ये वाला हमारा एक टाइप का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं बडिंग को। बडिंग क्या होता है, देखो बेटा बडिंग को हिंदी में बोलते हैं मुकुलन, बड निकलना, मुकुलन निकलना, है ना। तो इसका एग्जांपल आप लोग सिंपली अपने घर वगैरह में देखते हो, हम लोग आलू को देखते हैं, तो आलू का जो स्ट्रक्चर होता है
नॉर्मली अगर उसको बहुत दिन तक आप लोग घर में रखे हो, पुराना बहुत ज़्यादा आलू हो जाता है तो उसके ऊपर एक आग जैसा स्ट्रक्चर निकल जाता है। ये मान लो आलू है तो उसके ऊपर एक छोटा सा बड़ निकल आता है। फिर ये बड़ क्या होता है, ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है, ग्रो कर जाता करता जाता है। और जब ये बड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और ये पूरी तरीके से ग्रो कर जाएगा तो ये फिर क्या होगा, अपने पेरेंट्स से डी अटैच हो जाएगा, हट करके एक नया आलू बना लेगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो वैसे ही इसमें होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस इसमें होता है बडिंग में हमारे। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी आउटग्रोथ जो होगी, इन दिस मेथड द पेरेंट सेल प्रोड्यूस एन आउटग्रोथ कॉल्ड बड। इसमें जो है पेरेंट सेल के ऊपर से एक आउटग्रोथ निकलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे बड, है ना। और इस मेथड को कॉमन जो होता है, ये जो मेथड है कॉमनली ये यीस्ट में प्रेजेंट होता है। अब यीस्ट क्या होता है, आप लोग जानते हो कि जो खमीर अमीर उठता है, जैसे कि बहुत सारी जो रोटियाँ वगैरह बनाई जाती हैं मोटी मोटी फूली हुई, तो उनके लिए जो है हम लोग उसको क्या करते हैं कि खमीर यीस्ट डालते हैं, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसको डालने के बाद क्या होता है, वो रोटी जो होती है फूली फूली बनती है, या फिर बेकिंग हम लोग इसका जो है यूज़ जो है केक बनाने में यूज़ करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में यीस्ट का यूज़ किया जाता है मेनली। तो ये जो है जो बडिंग का प्रोसेस है मेनली यीस्ट में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बड जो है वो ग्रो कर जाएगा। जब बड जो है पूरी तरीके से ग्रो कर जाएगा तो वो अपने पेरेंट से डी अटैच हो जाएगा, यानी कि वहाँ से हट जाएगा और एक नया सेल बना लेगा और एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे बडिंग। तो यहाँ पर देखो यीस्ट का बडिंग दिखाया गया है। यहाँ पर हमारा पेरेंट सेल था और उसके ऊपर एक क्या हुई, एक आउटग्रोथ निकली। ठीक है, ये हमारी आउटग्रोथ निकली, ये हमारी क्या निकली, आउटग्रोथ निकली। अब यही आउटग्रोथ क्या होगी, डेवलप होगी और बहुत सारे क्या बना लेगी, न्यू सेल बना लेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे न्यू सेल क्या कर लेंगे, न्यू सेल और भी दूसरे यीस्ट बना लेंगे, यानी अपने जैसे नए यीस्ट बना लेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग, जो कि आप यीस्ट में देख रहे हो। ठीक है, अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग को ईजी लगेगा। ये वाला हाइड्रा जो है, वो हाइड्रा जो है एनिमल में प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रा में भी बडिंग का जो है प्रोसेस पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हाइड्रा का डायग्राम भी बना दिया है। तो मान लो कि ये हाइड्रा है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हाइड्रा है और इसके ऊपर एक निकल आया बड। ठीक है, इसके ऊपर एक बड निकल आया, एक आउटग्रोथ निकल आई जिसको हम लोग बड कहेंगे। अब ये पेरेंट हाइड्रा इसके ऊपर ये जो ग्रोइंग पार्ट है वो और ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है और बड़ा हो रहा है। और जब ये पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डी अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये डी अटैच हो जाएगा अपने प्लांट, अपने पेरेंट्स से, और फिर ये क्या बना लेगा, डॉटर सेल बना लेगा, न्यू डॉटर सेल बना लेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बडिंग। यानी कि पहले क्या होगी, एक छोटी सी आउटग्रोथ होगी और फिर वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और जब वो पूरी तरीके से प्रॉपरली अपनी ग्रोथ में आ जाएगी तो वो अपने पेरेंट सेल से अटैच की जगह पे क्या हो जाएगी, डी अटैच हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी और एक नया डॉटर सेल बना लेगी। इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं बडिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़े हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला तो पढ़ा है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन भी उसी में आता है, और हमने पढ़ा बडिंग। तो आपने जो पढ़ा है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।